प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल एंड गुड एट योर होम विथ योर फैमिली। आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, एक फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से पढ़ाया, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से, थर्ड चैप्टर सिविक से। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वंस अगेन रिलेटेड फ्रॉम ज्योग्राफी, एंड हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज जैसा कि देख पा रहे हो, आज का जो सब्जेक्ट है वह है नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स आज जो हम सीखेंगे वह सीखेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो बिफोर इट, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं आपको, I would like to inform you that the heading of the chapter, जो भी heading होता है chapter का, वह पूरे chapter को represent करता है। First of all, we should know about the meaning of chapter so that we can understand what have to लर्न। यानी कि अगर हम चैप्टर का हेडिंग समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, तब हम आगे पढ़ने में आसानी होगी, हमारा दिमाग, हमारा माइंड सेटअप उस अनुरूप होगा, ताकि हम ये सीख पाए कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो देख पा रहे हो, पहला है नेचुरल रिसोर्सेस। यह तुम्हारे ज्योग्राफी में हर टॉपिक में चलेगा, सिर्फ यहां बदलता रहेगा। तो बिफोर इट, सबसे पहले हम आपको नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा दूं। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, ऑलरेडी आई हैव टॉक्ट टू यू, ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू द नेचुरल रिसोर्सेस। Thank you.
जैसे कि देख पा रहे हो नेचुरल रिसोर्सेस ऑल दोज रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल फ्रॉम नेचर, वैसे रिसोर्स जो प्रकृति यानी नेचर और एनवायरमेंट में उपलब्ध हैं, इन द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर सॉइल फॉरेस्ट मिनरल्स इट इज एंड used by human beings to satisfy their basic needs, yani aur yah upalabdh hai nature mein aur manush apne basic zaruraton ko pura karne ke liye uska upyog karta hai. To आप लिख चुके होंगे ऑल दोज रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर सॉइल फॉरेस्ट मिनरल्स इटीसी एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. इसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. कंटिन्यू रहेगा. इट इज वन ऑफ द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग. इट इज वन ऑफ द मेजर और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी अकरेंस प्राप्ति के आधार पर यह एक बहुत बड़ा डिवीजन है नेचुरल रिसोर्स. और यह हेडिंग कंटिन्यू रहेगा. तो आप जैसा कि देख पा रहे हो तो आपने समझ लिया अभी तक नेचुरल रिसोर्सेस यानी चैप्टर का हेडिंग का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको. ये क्लियर हो गया. लेकिन बेसिकली हमें ये पढ़ना है. ये तो एज एन एग्जांपल वी हैव टू स्टडी नेचुरल रिसोर्सेस एज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में रियली वेजिटेशन and wildlife. So first of all we should know about the meaning of vegetation. The assemblies of plant species that grows naturally in a geographical region without human aid is called natural vegetation.
जैसा कि देख पा रहे हो, यू कैन सी द असेंबलेज, असेंबलेज का मतलब होता है जमा, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट जब देखोगे दैट ग्रोस, जो विकसित हुआ है नेचुरली, नेचुरली मीन्स अपने आप, इन ए ज्योग्राफिकल रीजन, मैंने किसी खास इन्वायरमेंट में, बिकॉज यू विल सी इन वेरिएशन। अगर ऐसा वेरिएशन नहीं होता तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन द लिविंग थिंग्स जितने भी पृथ्वी पर है, वॉट एवर लिविंग थिंग्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, इन ऑल लिविंग थिंग्स देर इज ए वेरिएशन, सब में वेरिएशन है। तो उसी को हमें पढ़ना है। प्लांट स्पेसिस ज्योग्राफिकल रीजन विदाउट ह्यूमन एड, इसका मतलब बिना मनुष्य के इफोर्ट्स का, यानी आप देखते हो शौक से आप घर में फूल लगाते हो, गमले में फूल लगाते हो, तो वह वेजिटेशन हुआ भी वेजिटेशन है, लेकिन वह मैन मेड इफोर्ट से बना है, ह्यूमन इफोर्ट से बना है। बगीचा लगाते हो, फल लगाते हो, तो वह भी वेजिटेशन है, लेकिन वह नेचुरल नहीं है, यानी ह्यूमन एड है, उसमें ह्यूमन का इफोर्ट्स है। लेकिन जो बिना इफोर्ट्स के नेचर में इट सेल्फ ग्रो करता है, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हमें वही पढ़ना है, दैट इज फॉरेस्ट ग्रासेस, फॉरेस्ट ग्रासेस एंड शार्क्स एंड हर्ब्स। तो जैसा कि देख पा रहे हो, क्या कह रहे हैं कि पौधों का वह समूह जो प्राकृतिक रूप से किसी पर्टिकुलर रीजन में, यानी हर क्लाइमेटिक कंडीशन का अलग अलग वेजिटेशन है, विदाउट ह्यूमन एड का, इज कॉल्ड वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट ग्रासेस और शर्ब्स। यहां वेजिटेशन का मतलब नेचुरल हिडन है, प्राकृतिक वेजिटेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेजिटेशन किसे कहते हैं। अब रही तीसरी, थर्ड पॉइंट, दैट इज द वाइल्ड लाइफ। तो जब इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो उस समय इसका डेफिनेशन सीख लेंगे, ताकि आपको उस समय काम आएगा। तो हमें अभी पहले इस पार्ट को पढ़ लें, वेजिटेशन को, उसके बाद हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो उस समय उसका डेफिनेशन पढ़ लें। इसका मतलब बेसिकली वी हैव टू स्टडी मेनली इस टॉपिक को पढ़ना है, वेजिटेशन। और जस्ट आई पुट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, फॉरेस्ट, ग्रासेस, फॉरेस्ट ग्रासेस, शर्ब्स। तो इसमें भी आपको मेनली इसको पढ़ना है एज ए रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। तो वेन एवर यू विल गो थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यू विल सी मोर देन 10 बेनिफिट्स, 10 बेनिफिट्स हैव बीन और आर बीन गिवन बाय द फॉरेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप जब देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन योर लाइफ, तो लगभग 10 से ज्यादा लाभ ये आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। इट मींस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर है। क्यों? आई वुड लाइक टू पुट एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको पुट करना चाहता हूँ। जैसे आप
सांस पर ऑक्सीजन परजीवित हो, और हु इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन छोड़ रहे हो, और ये फॉरेस्ट जो है आपको कंपनसेट कर रहा है, इट मींस मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. यू मस्ट नो एंड यू हैव स्टडीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन बायो, यू आर वेल नोन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है विदाउट टेकिंग मच टाइम. Now we should go through topic concern, and that is first question could be, important factors for the growth of प्लांट्स. सबसे पहले ये सीखेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी स्टार मार्क कर सकते हो आप, कि व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये क्वेश्चन हुआ कि दो फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे two factors are, number one temperature, number two rainfall, इसको precipitation बोलते हैं, You may see here, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि दो फैक्टर प्लांट को डिटरमाइन करता है, यानी द ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. आप देखते हो गए, मैं एग्जाम्पल दू आपको, प्ले ग्राउंड में जब आप खेलते हो समर सीजन में, तो देखते हो कि वह प्ले ग्राउंड जो है विदाउट ग्रास होता है, कुछ नहीं रहते, प्लेन बैरन होते हैं. लेकिन यही जब समर वेकेशन के बाद आप वहां आते हो और वर्षा जब रेनफॉल शुरू होती है, तो वही फील्ड जहां तुम पहले खेले थे दो महीना पहले, वहां वह पूरा फील्ड ग्रासेस, ग्रीन ग्रासेस से ग्रो कवर्ड कर जाते. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू फैक्टर्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट और प्लांट्स. जैसा कि आपको मैं बताया, टू फैक्टर, पहला है टेम्परेचर. यू कैन आस्क व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर फॉर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी टेम्परेचर क्या देती है प्लांट को. आप जो देखोगे आगे पढ़ोगे, तो इसको अगर बेसिकली आप समझ जाते हो, तो किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का नेचर ऑफ फॉरेस्ट तुम डिटरमाइन कर सकते हो. जैसे मैथ फार्मूला पर सॉल्व होता है, उसी तरह इसका फॉर्मूला बता देता हूं, तो आप कहीं भी जैसे आपको टेम्परेचर बताया जाएगा, तो आप सब बता दोगे रहती हाँ इस वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट हो. टेम्परेचर क्या करता है पहले ये सीखे, इट डिटरमाइंस यह जो है फॉरेस्ट यानी प्लांट का जो नेचर होता है वुड्स का, वो डिटरमाइन करता है क्या. तो देखेंगे, इफ एनी एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर, तो जहां हाई टेम्परेचर हो वहां हार्ड वुड होगा, ये याद रखना, और जहां लो टेम्परेचर होगा वहां
सॉफ्ट वुड होगा, यही वुड्स का नेचर है। इट मीन्स टेम्परेचर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वुड। प्लांट का जो नेचर कैसा होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, इट डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, तो अगर आप किसी एरिया में घूमने गए हो और वहां का टेम्परेचर 30 और 25 डिग्री सी के ऊपर नॉर्मल तुमको रहा है, और आप वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, हीट जोन पढ़े होगे 4-5 में, तो जो हीट जोन एरिया है, इट मीन्स एन एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वह हॉट जोन है अर्थ का, यानी हाई टेम्परेचर जोन है अर्थ का, तो ऑफकोर्स वहां हार्डवुड होंगे। लेकिन एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, वहां सॉफ्टवुड होगा, तुम पढ़ोगे या हाई एल्टीट्यूड आगे पढ़ोगे। इसका मतलब तुम्हें ये बेसिकली पता करना है, याद रखना है कि टेम्परेचर का क्या रोल है नेचर में। इट मीन्स यह जो है टेम्परेचर हर लिविंग थिंग को डिटरमाइन करता है, तुमको भी डिटरमाइन करता है। आप देखोगे जो बहुत हॉट रीजन में रहते हैं, अफ्रीकन पीपल को देखो, वेस्ट इंडीज के लोगों को देखो, तो कैसा देखते, काफी ब्लैक कलर के होते हैं, क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। साउथ इंडियन को देखो, तो ये तुम्हारे भी फेस इन कॉम्प्लेक्स को, कलर कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करता है, जैसे फॉरेस्ट को करता है, हर लिविंग थिंग को डिटरमाइन करता है। और वही देखो जो लो टेम्परेचर जोन में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग को देख लो, यूरोपियन कंट्री के पीपल को देख लो, तो दे आर वेरी व्हाइट। व्हाइट इट मीन्स इट डिटरमाइंस योर स्किन कलर ऑल्सो, नॉर्मली, एक्सेप्शनल नहीं कर रहा हूं। उसी तरह ये फॉरेस्ट में ये हार्डवुड देता है हाई टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर सॉफ्टवुड देता है। बी, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। रेनफॉल कॉमन वर्ड में बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में इसको प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग ऑफ एटमोस्फेरिक वाटर ऑन द अर्थ, आइदर इन सॉलिड और लिक्विड, बोथ, किसी भी फॉर्म को कंबाइंडली कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अब देखिए ये क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट्स। इट डिटरमाइंस साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि यह जो है साइज, साइज का मतलब हाइट, आकार, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसकी डेंसिटी, वो कितना घना होगा। तो आइए सीखें हम इसमें। इट मीन्स हैवी रेन है, हैवी रेन है तो क्या होगा, टॉल ट्री होंगे, टॉल ट्री होंगे एंड डेंस होंगे। जहां हैवी रेन होगा मोर देन 200 सेंटीमीटर को हैवी कहते हैं रेनफॉल, तो वहां जहां हैवी रेनफॉल होगा वहां बहुत टॉल, आप तो आप आगे पढ़ोगे मोर देन 60 मीटर हाइट, 180 फीट तक की हाइट का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, और डेंस काफी घना होगा, इतना डेंस होता, इतना डेंस होता कि वहां सन रेज भी नहीं पहुंच पाती जमीन पर, वहां सन रेज भी नहीं आ पाती है। तो ये हुआ हैवी रेन है।
और दूसरा हैवी का उल्टा हम लोग देखेंगे लोरेन। लोरेन जहां होगा तो वहां क्या होगा, स्पार्स होगा यानी शॉर्ट हाइट का होगा, हाइट शॉर्ट होगा एंड स्पार्स। स्पार्स मीन्स स्कैटर्ड होंगे या वहां डेंसिटी कम होगी, दूर दूर पेड़ होंगे, एक यहां थी एक यहां एक यहां। उसी तरह तीसरा स्नोफॉल जहां होगा, जहां बर्फ के रूप में वर्षा होगी वहां कॉनिकल इन शेप होगा फॉरेस्ट का। इट मीन्स शेप एंड साइज ऑफ द फॉरेस्ट डिटरमाइन बाय द रेनफॉल। तो तीन आपको एग्जांपल दिया और यू विल सी इन डिटेल व्हेनेवर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये समझ में आ गया कि रेनफॉल जो है पेड़ के साइज को और उसके डेंसिटी को डिटरमाइन करता है, रेनफॉल उसके नेचर ऑफ वुड को डिटरमाइन करता है। और इस बेसिक फंडा को याद रखोगे, बेसिक फॉर्मूला को याद रखोगे तो आगे तुम्हें समझने में आसानी होगी। यानी द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ यानी हीट जोन, बेली बड़े हीट जोन तीन है और उसका सब डिवीजन मिला के पांच होता है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। ये तीन बड़े हुए और टेम्परेट का दो पार्ट है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन दो पार्ट है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन। तो मेनली फॉरेस्ट जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन का ही मेनली आपको पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल का मतलब मैं बता दूं आपको, यानी 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री एन और एस के बीच का पढ़ना है। ये 0 डिग्री है, ये मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये कंटिन्यूएशन में है और यही है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी दीज रीजन्स रिसीव हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ जो भी होंगे नेचर क्या होंगे, हार्ड वुड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। वंस अगेन अगर इसी रीजन में एरिया जहां भी लैंड है, यानी कि सब जगह लैंड ही है, यहाँ वाटर भी है, लेकिन वहीं पर लैंड इज अवेलेबल इन बिटवीन, यही इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों के बीच इस लाइन से इस लाइन के एरिया में जहां भी लैंड है और वहां जो भी फॉरेस्ट होंगे नॉर्मली वो सब हार्डवुड होंगे, एक्सेप्शन छोड़ के। ओके, और दूसरा एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा। और दूसरा जो रीजन होगा वह है, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। और यही सेम है ये अंटार्कटिक सर्किल। तो यहां से यहां के भी जो फॉरेस्ट होंगे ये होंगे सॉफ्ट वुड नॉर्मली टेम्परेट।
या उसी तरह यहां से यहां के बीच। तो मेनली वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मेजर डिविजन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड सब डिविजन बेस्ड ऑन रेनफॉल। आप आगे इसी को पढ़ने जा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वह किसके द्वारा डिटरमाइन करता है, कौन इसका डिटरमाइनर है। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि फॉरेस्ट रियल में हमें पढ़ना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है एक्चुअली एज ए रिसोर्स, हमें पढ़ना है फॉरेस्ट। हालांकि अब इसको इंग्लिश में भी जंगल बोलते हैं। डू यू नो यू हैव हियर द मीनिंग ऑफ जंगल और वर्ड ऑफ जंगल फॉरेस्ट। कास्ट किसे कहते हैं जंगल बताओ। तो इसको कहते हैं ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड लैंड कवर्ड कवर्ड विथ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। इसी को हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, ट्रीज का जो कवरिंग एरिया है लार्ज नेचुरली इसको फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो इसी को पढ़ना है। यू शुड आस्क व्हाई वी शुड स्टडी, बिकॉज एज ए रिसोर्स हमें पढ़ना है, एज ए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो वेन एवर यू विल गो थ्रू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कई तरह के बेनिफिट देते हैं। इसलिए यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ का, बिकॉज वी गेट टिम्बर फ्रॉम इट, वी गेट सेवरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट, वी गेट पेपर पल्प फ्रॉम इट, वी गेट वुड पल्प फ्रॉम इट, वी गेट हर्बल मेडिसिन फ्रॉम इट। बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष मीन्स रेनफॉल, मेंटेन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। ये सब बहुत सारा रोल है इसका, सेवरल रोल्स। लेकिन हमें इकोनॉमिक यानी जहां से हमें पैसे की प्राप्ति हो, हाँ इकोनॉमिक हमारा एक्टिविटी हो, उसको पढ़ना है रिसोर्स के रूप में फॉरेस्ट। तो जस्ट मैं बता दिया ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। नाउ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट। What are the classification of forest? What are the classifications of forest? यानी forest के वर्गीकरण क्या है? It means forest can be classified on the basis of थ्री ग्रुप्स। आंसर होगा देयर आर थ्री मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन the basis of
location and climatic condition. यानी पूरे वर्ल्ड, बिकॉज हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं पढ़ना, होल वर्ल्ड का पढ़ना है. एंड वर्ल्ड एक छोटा सा बॉल नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है. लेकिन वास्ट एरिया को इन सिंपल वे वी हैव टू स्टडी होल वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल वर्ल्ड फॉरेस्ट वी हैव टू स्टडी इन इजी वे थ्रू दिस वे. इसलिए कहता है देर आर थ्री मेजर, यानी तीन बड़े क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. लोकेशन का मतलब उसका पोजीशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जस्ट आई टॉक टू यू टेम्परेचर. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट. यू विल स्टडी इन लेटर ऑन इन हायर क्लास. तो टेम्परेचर के आधार पर होल ग्लोबल वेजिटेशन को, ग्लोबल फॉरेस्ट को हम तीन पार्ट में बांटते हैं. These are, first है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, दूसरा टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, तीसरा मेडिटेरियन तो देख रहे हो. टेम्परेचर और लोकेशन बेसिस पर हम लोग पूरे ग्लोब के फॉरेस्ट को तीन पार्ट में, ट्रॉपिकल, जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ. ट्रॉपिकल का मतलब एन एरिया बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये याद रख. ट्रॉपिकल का मतलब ही होता है गर्म, और मैं अभी बेसिक क्लू बता चुका हूँ. ट्रॉपिकल गर्म का मतलब जहाँ गर्म होगा वहाँ हार्डवुड होगा. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, यानी गर्म एरिया है इसलिए नेचर ऑफ फॉरेस्ट हार्डवुड है. टेम्परेट इसका मतलब लो टेम्परेचर जोन है. तो लो टेम्परेचर है, टेम्परेट का मतलब लो टेम्परेचर. तो क्या है नेचर? सॉफ्ट वुड. एंड मेडिटेरियन, इट इज द रियली, ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो ये इट्स बेस्ड ऑन लोकेशन. इट मीन्स ए स्पेशल कंडीशन नियर बाय सी, ऐसा कंडीशन, ऐसा लैंडमास जो नॉर्मली थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो और तीनों का इन्फ्लुएंस हो, तो वहां एक यूनिक वेजिटेशन ग्रो करती है, उसको हम लोग मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहते हैं. मेडिटेरियन, मेडी का मतलब तो बीच. आगे पढ़ोगे तो ये देख रहे हो, दीज आर द थ्री मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. क्वेश्चन आएगा व्हाट आर थ्री मेजर क्लासिफिकेशन of forest on the basis of location and climatic condition. These are the, so we will study one by one in detail. So you can see tropical, all those forests which are found between Tropic of Cancer and Tropic
गलती था, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड हार्डवुड इन नेचर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। जैसा कि देख पा रहे हो, इसको हम लोग ट्रॉपिकल हार्डवुड कहते हैं। ऑल दोज फॉरेस्ट which are found between tropic of cancer 23.5 degree north and tropic of capricorn 23.5 just mein bataya are called and hardwood yani ki yahan agar isi area mein hardwood nahi hai to wo iska exception mein aisa hota hai lekin normal position mein kyunki exception har cheez ka hota you should know तो नॉर्मल कंडीशन में इसको हम लोग ट्रॉपिकल हार्डवुड कहते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन वुड बी, व्हाट आर द टू सब डिविजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और यही मेन चीज पढ़ना है और यही चैप्टर का मेन पार्ट भी है। आंसर होगा टू सब डिविजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट आर। यहां ब्रैकेट में लिख दो रेनफॉल बेसिस। रेनफॉल बेसिस पर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैज बीन वंस अगेन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। नंबर वन दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवर ग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा ट्रॉपिकल डेसी डुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। और यही इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो वी हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो अबाउट इन डिटेल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आज शुरू करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपको भी परेशानी होती और मुझे लोड करने में बहुत परेशानी, लगभग इस वीडियो को लोड करने में 3 से 4 घंटा का समय लग जाता, कंप्रेस होता उसके बाद फिर लोड होता। तो आई वुड लाइक टू से अब नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को पढ़ने जाएंगे, इसी को पढ़ेंगे। Rest is okay. Have a nice day.